ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान। बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट सारिआं दा। सो आस्ट्रेलिया दी गल करांगे। आस्ट्रेलिया दे रिजल्ट इस वक्त बहुत वधिया नहीं कहे जा सकदे। इहदा एनालिसिस किस तरीके नाल कीता जा सकदा, स्टूडेंट्स ये चीज़ नूं किस तरीके नाल लैण, अज इस बारे गल करांगे। अज दे साडे गैस्ट ने ब्रॉडवे इमीग्रेशन दे मैनेजिंग डायरेक्टर अमरजीत सिंह कंवर। कंवर साहब स्वागत। थैंक यू दीपक जी, प्रोग्राम देख रहे सारे दोस्तों नूं सत श्री अकाल। सो कंवर साहब, आस्ट्रेलिया तंग तां शुरू तो ही करता सी स्टूडेंट्स नूं इन अ वे के साइकोलॉजिकली स्टूडेंट्स स्ट्रोंग चाहिए, जीटी क्लीयर होई नहीं होई, पर हुण रिजल्ट ट्रेंड थोड़ा जिहा नैगेटिव वल नूं दिख रहा है। इहनूं तुसीं किवें एनालाइज करदे हो एक एक्सपर्ट दे तौर ते, ते स्टूडेंट्स इहनूं किवें समझे? देखो सर, जिहड़ा आस्ट्रेलिया उह जदों दा कोविड तों बाद उलझिआ, कोविड तों बाद चलिआ, उस तों बाद उलझ गिआ, जिदा के डॉक्यूमेंट लगे, बहुत सारा फेक डॉक्यूमेंट लगा, बच्चे वाड़न की काली च कंट्री ने बहुत सारे वीजे देते, इधरों बहुत झूठे सच्चे स्टूडेंट चले गए। बट उस तो बाद जो इन्होंने ब्रेक लाई, फिर हौली हौली शुरू किया, अज तक हजे भी आस्ट्रेलिया ट्रैक पर नहीं आ सके। वो इको इनटेकली जो वीजे शुरू करता है देने, पॉजिटिव ट्रेंड दिता है, नाले थोड़े दिन बाद वीजिया के ट्रेंड सारे नैगेटिव हो जाते हैं। सो इदा ही पिछले इनटेक होया, इदा ही हूँ नवंबर इनटेक के रिजल्ट हो रहा। सो आस्ट्रेलिया इस टाइम तुम देखो भी जो सत्त बैंड वाला भी बच्चा वो भी कितना कितने रिफ्यूजल ले बैठा है मार्केट। सो दिस इज द वर्स्ट केस सिनारियो है जो अज की रेट से आस्ट्रेलिया चल रहा है। सो इतने का प्रेजेंटली मैं ही कहूँगा कि जो बच्चे प्रोसैस है वो पेशेंस भी रखन और डैफर भी होंगे तो भी कोई गल नहीं, क्योंकि जो रिजल्ट वधिया ना चल रहे हो फिर बैटर है कि वो भावें डैफर हो जाए। कारण की है कि आस्ट्रेलिया से फाइल लगनी एक बार, दूजी बारी लगनी नहीं। सो जिन्हां लई तां लास्ट ही मौका है फाइल लाने का, वह भावें काली कर लें, पर जिन्हां कोल सैकेंड मौका भी हैगा वो डैफर का भी रस्ता लै सकते हैं, क्योंकि आस्ट्रेलिया एक बार रिफ्यूजल आया दूजी बारी कोई वीज़ा अपलाई नहीं होना, फिर आपां नूं अपनी कंट्री या डेस्टिनेशन चेंज करना पैना। सो मैं नहीं कहता कि पहले स्टेज पर कर लो, एलीजिबल हो तुसीं जाना चाहुंदे हो, तुहाडी फाइल एलीजिबल है, यूनीवर्सिटी दे विच है या अच्छे कॉलेज दे विच है, तां डेफिनेटली उहनूं एम्बेसी तक ले जाओ। बट इनटेक वाइज एक बार सोच लियो, नवंबर की तो फाइल हुण नहीं लगनी है ना ही लायो, और अगले इनटेक लिए यस तुसीं हुण उहदी प्रैपरेशन कर सकते हो और उहदा वेट कर सकते हो। प्रेजेंट मैनूं चंग पता है कोई मंच तो चंग माड़ी खबर देनी बच्चे थले लिखण लग जाते भी तू हमेशा बुरी खबर दिना है, बट रियलिटी है, पता होनी चाहिए है। और नैगेटिव का मतलब आ नहीं है कि सारे ही नैगेटिव आ रहे हैं, वो भी वीजे आ रहे हैं, पर हाँ जिते 100 चो 70-80 वीजा होंदा सी वो कितने ना कितने 50% ते जा चुका है, डाउटफुल हो चुका है हर केस वीजा दा। सो अल्टरनेटिव की सुजेस्ट करोगे? अल्टरनेटिव हजे मैं कोई नहीं जी, मैं तो सिर्फ इन्ना कहना कि जे तुहाडी फाइल नहीं लगी, अगले इनटेक लई डैफर भी हो रही है, तुसीं एलिजिबल रहिंदे हो तां उहनूं डैफर कर लो, नो प्रॉब्लम। माइट उदों तक इन्हां दे कोई सिस्टम या ट्रेंड जे चेंज आ जाए, बट मैं नहीं कहता कि हजे अपना डेस्टिनेशन बदल दो, क्योंकि एक वारी फाइल तां जरूर अटैम्प्ट करो। डेस्टिनेशन आस्ट्रेलिया डेफिनेटली शानदार है, बैटर दैन कैनेडा है, एहदे च भी कोई शक नहीं, बट गल है कि इस टाइम जिहड़े ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। लास्ट सवाल है जी, बाई पास आउट अप्लाई करो? नहीं, बिल्कुल जी, उन्होंने किताब बंद हो चुकी है, प्लस टू पास, बाई पास आउट उन्होंने फाइल नहीं लग सकती। प्राइवेट कॉलेज चलाओगे वीजा आना ही नहीं, 0% चांस। सो आस्ट्रेलिया से असी नज़र बना के रखांगे, जेडे भी अपडेट्स होंगे एज इट इज़ थोड़े नाल शेयर करते रहेंगे। चैनल जरूर सबसक्राइब करके रखो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान।